हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी जर्नी पर। दोस्तों, हम आज बात करेंगे पीलीबंगा शहर की। पीलीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्रमुख कस्बा, विधानसभा क्षेत्र व तहसील है। पीलीबंगा पंजाबी भाषा का शब्द है। पंजाबी में बंगा को चूड़ियाँ कहा जाता है, इसलिए पीलीबंगा का शाब्दिक अर्थ पीले रंग की चूड़ियाँ है। पीलीबंगा के एक तरफ सूरतगढ़ है तो दूसरी तरफ हनुमानगढ़। पीलीबंगा से हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ की दूरी लगभग बराबर है। पीलीबंगा से हनुमानगढ़ की दूरी 27 किलोमीटर की है और सूरतगढ़ की दूरी भी यहां से 27 किलोमीटर की है। अगर पीलीबंगा के आसपास के गांव की बात की जाए तो इनमें दिंगवाला, दौलतां वाली, ठाकुरवाला, लिखमीसर और कालीबंगा शामिल है। SSW और ओडी के ज़्यादातर चक इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये क्षेत्र गग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, यहाँ गग्गर नदी और इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई की जाती है। कई जगह पर सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल भी किया जाता है। दोस्तों, अगर इस जगह के जलवायु की बात की जाए तो ये जगह गर्म इलाकों में आती है। गर्मी में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं तथा मई और जून में लू चलती हैं। गर्मियों में यहाँ का तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है। हालाँकि सर्दियों में रातें ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं और यहाँ का पारा 0 डिग्री तक चला जाता है। सर्दियों में चलने वाली उत्तरी हवाओं को यहाँ पर डम्फर कहा जाता है। ज़्यादातर इलाका कुछ वर्ष पहले सूखा रेगिस्तान था, लेकिन आजकल करीब करीब सारे क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचाई होने लगी है। यहाँ की मुख्य फसलें चना, सरसों, गेहूं, तारामीरा, नरमा, धान, कपास, गवार, मूंग, मोठ हैं। गग्गर इलाके की एकमात्र नदी है, जबकि इंदिरा गांधी नहर यहाँ की प्रमुख नहर है। पीलीबंगा से 5 किलोमीटर की दूरी पर गाँव कालीबंगा में 5000 साल पुरानी कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। यहाँ पर सिद्धू घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर खुदाई के वक्त सबसे पहले काली चूड़ियाँ मिली, इसी से इसका नाम कालीबंगा पड़ा। पंजाब में चूड़ियों को बंगा कहा जाता है। यहाँ पर खुदाई के वक्त एक नगर मिला, जिसमें पक्के घर, महल और पक्की नालियाँ, औजार और पत्थर मिले हैं। कालीबंगा में पुरातत्व विभाग का म्यूजियम है। यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता के अवशेषों को रखा गया है। अगर शिक्षा की बात की जाए तो पीलीबंगा में सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेज हैं, जिसका लाभ आसपास के छात्र उठा रहे हैं। अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो पीलीबंगा सड़क और रेल मार्ग दोनों से देश के बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। पीलीबंगा रेलवे स्टेशन पीलीबंगा शहर का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन बठिंडा बीकानेर रेल लाइन पर है। ये रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ जंक्शन और सूरतगढ़ जंक्शन के बीचों बीच पड़ता है। पीलीबंगा से बीकानेर, जोधपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी, कोटा, कालका और बठिंडा जैसे देश के कई प्रमुख शहरों के लिए ट्रेन पकड़ी जा सकती है। पीलीबंगा का स्टेशन कोड PGK है और यहाँ का पिन कोड 335803 है। ये रेलवे स्टेशन उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर डिवीजन के अंतर्गत आता है। इस रेलवे स्टेशन पर दो प्लेटफॉर्म हैं। इस रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेनों के अलावा एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें भी यहाँ पर रुकती हैं। इस रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली प्रमुख गाड़ियों में अहमदाबाद जम्मू तवी एक्सप्रेस, आबद असम एक्सप्रेस, कोटा श्री गंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कालका बाड़मेर एक्सप्रेस, जन्मभूमि एक्सप्रेस, अबोहर जोधपुर पैसेंजर शामिल हैं। हनुमानगढ़ को सूरतगढ़ और बीकानेर से जोड़ने वाला राष्ट्रीय मार्ग 15 पीलीबंगा शहर के बीचों बीच से होकर गुजरता है और इसी राष्ट्रीय मार्ग पर पीलीबंगा का मुख्य बस अड्डा है। पीलीबंगा का बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के नज़दीक है और यहाँ से सीधा दिल्ली, जोधपुर, लुधियाना, चंडीगढ़, सीकर, करनाल, हरिद्वार, बठिंडा, अम्बाला, जोधपुर जाया जा सकता है। अगर खाने पीने और रुकने का सवाल है तो पीलीबंगा शहर में अनेक धर्मशालाएं, होटल और ढाबे मिल जाते हैं। यहाँ पर खाने पीने और रुकने की अच्छी व्यवस्था है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।